विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद राजद की ओर से आज विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों की गतिविधियों पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता नजर बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और बिहार की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है। वहीं पीएम ने कहा कि हम राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मतगणना होगी। आपको बता दें कि इस मतगणना में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार के योग्य और शिक्षित युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होने जा रही है। आपको बता दें कि सिपाही के 8,415 पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। धनतेरस को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस को लेकर पटना के बाजारों में गहने से लेकर यहां तक की एडवांस बुकिंग की गई है। जानकारों का मानना है कि आज राजधानी में 1,000 करोड़ की खरीदारी होने की संभावना है।